Hello friends, in this video I'll discuss about the inclined manometer. What is the application of inclined manometer and how to do the force balance on inclined manometer? So all these things we'll discuss in details in this video. So first of all, what is inclined manometer? So inclined manometer is a kind of differential manometer which is being used for measuring the small pressure difference. अगर प्रेशर डिफरेंस किसी फ्लूड्स के बीच में बहुत ही स्मॉल है तो उस केस में हम लोग जो डेल्टा पी फोर्स बैलेंस डेल्टा पी कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट अगर करना होता है तो उस केस में हम लोग इंक्लाइन मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके क्रॉस फोर्स बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे। तो आप इस अरेंजमेंट को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें नोटिस करने वाली है। पहला तो है आपका ये जो लिम्ब है इसको क्या है, इस वाले पोर्शन को लार्जर डायमीटर में बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग स्मॉल प्रेशर देयर इज़ ए लार्ज राइज ऑफ लिक्विड इन द राइट साइड ऑफ मैनोमीटर। मतलब अगर यहाँ पे आप स्मॉल प्रेशर भी अप्लाई करोगे तो जो ये राइज ऑफ लिक्विड होगा वो ज़्यादा होगा अगर इसका एरिया यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो पहला तो बेनिफिट ये हो गया हमारा, इसको लार्ज बनाएगा। दूसरा पॉइंट जो हमें रिमेंबर करना है वो है ये जो एंगल अल्फा एंगल हमारा, दिस अल्फा शुड नॉट बी लेस देन 5 डिग्री। क्यों? अगर लेस देन 5 डिग्री ये एंगल आपका इंक्लाइंड एंगल आएगा तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मेनिस्कस हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये जो आएगा ये क्लियर मतलब ऐसे लेवल में नहीं आएगा, वो क्रॉस आएगा तो हमें ऐसा क्रॉस आएगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट पोजिशन हम इसका ले नहीं पाएंगे तो उससे इनएक्यूरेट डेल्टा पी का मेजरमेंट होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है जब भी आप इंक्लाइन मैनोमीटर डिज़ाइन करते हैं कुछ करते हैं तो उसका एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 5 डिग्री होना चाहिए। तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 5 डिग्री ऐसा होना चाहिए इन द केस ऑफ इंक्लाइन मैनोमीटर एंड दिस लिम्ब डायमीटर शुड ऑलवेज बी हायर देन दिस पोर्शन ऑफ इंक्लाइन मैनोमीटर। करेक्ट। नाउ वी विल डू द फोर्स बैलेंस हेयर। So we'll do here force balance. अभी हमें तो अब हम यहाँ पे force balance करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या notice करने वाली चीज़ है, सबसे पहले हमें datum layer declare करना पड़ेगा। तो ये जो blue line से दिखाया गया है ये वाला line हमारा datum level हो गया जिसके ऊपर हमें force balance करना है। नीचे already balance है क्योंकि सेम डेंसिटी वाला फ्लूड इससे फिल्ड है सेम हाइट तक का। तो यहाँ पे आइदर यहाँ अरे रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ हाइट के हिसाब से दोनों जगह क्या डेंसिटी प्रेशर सेम रहेगा तो ये नलीफाई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर ही अपने लोग बैलेंस करेंगे प्रेशर को। करेक्ट। तो सबसे पहले एक पॉइंट ये हो गया। करेक्ट। और यहाँ दूसरा, इन दो पॉइंट पर हम लोग प्रेशर बैलेंस करते हैं। तो वन पे कौन कौन सा प्रेशर रहेगा तो यहाँ तक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये वाला लेवल। ओके। तो हम लोग यहाँ पे फोर्स बैलेंस जब करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने आरएम दिखाया हुआ है, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हम एक्स ले लेते हैं। अब पॉइंट वन पे प्रेशर बैलेंस करते हैं। पॉइंट वन पे प्रेशर क्या लगेगा, सबसे पहले तो जो टॉप से प्रेशर लग रहा है वो पी ए हो जाएगा प्लस रो जी एच। तो रो आपका क्या आएगा, यहाँ पर डेंसिटी मैंने क्या दिखाया, रो ही दिखाया है। ओके। नाउ जी इज ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ हाइट, हाइट क्या हो गया आपका, यहाँ पे आर एम प्लस एक्स, ये टोटल हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर एम प्लस एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू। तो ये क्या करना आपने को, दिस मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, इस पॉइंट टू पे जो हमारा प्रेशर आ रहा है। तो पॉइंट टू पे प्रेशर क्या आ रहा है, एक तो पी बी आ रहा है प्रेशर, दो दिन यहाँ पे क्या आ गया प्रेशर पी बी प्लस। अभी यहाँ पे दो फ्लूड आ गया, एक तो ये वाला रोबी वाला फ्लूड यहाँ से यहाँ तक का आ गया पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का फ्लूड रोबी आ गया और यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन वाला कौन सा फ्लूड है, रोए डेंसिटी वाला हो गया। तो दोनों के क्रॉस हमें क्या करना है, अपने को प्रेशर बैलेंस करना है। तो आर एम इंटू सिमिलरली क्या है, यहाँ पे पहला रोबी इंटू हाइट किसका, इसका आर एम इंटू जी प्लस ऊपर वाला प्रेशर क्या लगेगा, रोए लगेगा यहाँ पे, रोए इंटू जी इंटू ये डिस्टेंस क्या है एक्स। ओके।
लेकिन आरएम हमारा क्या कोई स्टैंडर्ड नहीं, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। तो आरएम को अगर कैलकुलेट करना है तो हमें ये वाला इंक्लाइंड, जो इंक्लाइंड एंगल दिया है इसका यूज़ करेंगे। तो ये जो अल्फ़ा एंगल, सिमिलरली ये अल्फ़ा एंगल क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। तो इसको इस हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या हो गया, एंगल अल्फा हो गया, और ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, टोटल ये दिखा आर वन हो गया, करेक्ट। आर एन का जो वर्टिकल डाउन वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, आर वन कॉस अल्फा बनेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट आपका बनेगा वेक्टर का क्या हो जाएगा, ये आर वन साइन अल्फा बनेगा, करेक्ट। तो बेसिकली आर एम का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, आर एम इज इक्वल टू आर वन साइन अल्फा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया आर एम इक्वल टू आर वन साइन अल्फा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, देन बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं, पी ए क्या आ गया, पी ए प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो रो ए इंटू जी इंटू आर एम प्लस रो ए इंटू जी इंटू एक्स इज इक्वल टू पी बी प्लस रो बी इंटू आर एम इंटू जी प्लस रो ए जी इंटू एक्स। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा नलीफाई हो जाएगा। देन पी ए माइनस पी बी हमारा क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू आर एम और जी, क्या हम लोग ब्रैकेट में लेते हैं आर एम और जी, तो रो बी, और इस वाले पार्ट को हम लोग अगर इस इधर लेके आते हैं तो क्या रो बी माइनस रो ए, करेक्ट। तो ये हमारा एक्चुअली में हमारा डेल्टा पी हो गया अक्रॉस द डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइन मैनोमीटर। बट एज ए स्टैंडर्ड हमें क्या, आर एम तो हमने एज्यूम किया, आर एम का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आर एम का जो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, आपने देखा हुआ है आर एम का वैल्यू कितना कैलकुलेट करने पे आया है, आर वन साइन अल्फा। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू आर वन साइन अल्फा इंटू जी देन रो बी माइनस रो ए। सो दिस इज द आंसर आफ्टर गेटिंग द प्रेशर बैलेंस ऑन इंक्लाइंड मैनोमीटर। सो दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, डोंट रिमेंबर द फार्मूला बिकॉज यू कैन डेराइव इजिली इन द एग्जाम, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सो द गाइज, दिस इज ऑल अबाउट इंक्लाइंड मैनोमीटर, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब।